ओके स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम, यस मैम, ओके, यस मैम। कल हमारी जो क्लास है वो एक गलत तरीके से बंद हो गई थी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, इस वजह से ये अपने आप से ऑफ हो गई थी। आज हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। आप अपना ऑडियो तभी खोलेंगे जब मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स के लिए पूछूंगी। ओके, हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। मैं आपको इसका दोबारा से एक रिकैप दे देती हूँ। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। रिसोर्सेज जो है वो जरूरी होते हैं किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए। But irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हम उसको कंज्यूम करने लग जाते हैं irrational तरीके से, बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी लिमिटेशन के, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है जब चीज़ों का, रिसोर्सेज का, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्बेलेंस और प्रॉब्लम आ जाती है हमारे समाज के अंदर, हमारी आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी के अंदर और हमारे एनवायरमेंट के अंदर, जिसके कारण हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी पड़ती है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। इन सारी प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो बहुत जरूरी है, यानी इन सारे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना, सेफ गार्ड करके रखना बहुत जरूरी है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, और यही मेन रीजन रहा है पास्ट में भी थिंकर्स और लीडर्स जो है उनका, कि उनको भी इस चीज को लेकर के काफी चिंता रही है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट in voicing his concern about resource conservation in these words, jaise ki gandhi ji ne bhi apna concern dikhate hue ye line kahi thi, there is enough for everybody's needs and not for anybody's greed. yahan par kafi hai resources sabki zaruraton ke liye, lekin kisi bhi lalchi ki zaruraton ke liye pura nahi hai. he plays the greedy and the selfish individuals and the exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. और उन्होंने ये जो greed है लोगों की, जो कुछ literally कुछ selfish लोग हैं, ठीक है, जो पूरे nature को खराब करने पे लगे हुए हैं modern technology का use करते हुए, उन्होंने बोला है यही एक जड़ है, कारण है जो ये हमारे global level पर हमारे resources जो है खराब हो रहे हैं, उसका main कारण यही है। इन इन ये जो लोग हैं selfish लोग, यही इस चीज की problem का मतलब root है। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. और ये जो थे पूरी तरीके से फेवर में थे उन लोगों के, जहां पे ये चाह रहे थे कि लोग बाग मास प्रोडक्शन ना करें, यानी कि एक साथ काफी सारी चीजों को एक साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें ना बनाएं, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर के कुछ चीज बनाएं और उसको सब इस्तेमाल करें, ये उस चीज के फेवर में थे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? ठीक है, तो आगे का ये जो हमारा इंटरनेशनल लेवल था ये कंप्लीट करते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। एक इंटरनेशनल लेवल पर क्लब ऑफ रोम जो है उन्होंने इस चीज को लेकर के बात उठाई, ठीक है, और एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने इस चीज को रखा सबके सामने 1968 के अंदर, और उसी के बाद में ही 1974 में गांधीयन फिलॉसफी जो थी वो वापस से सबके सामने आई। शूमाकर जो थे उन्होंने लेकर के आई ये चीज। गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय शूमाकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल। ये चीज थी 1974 के अंदर, उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को ही लेकर के अपनी बात रखी है अपनी किताब के अंदर, जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटिफुल। ये किताब थी शूमाकर की। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. उसके बाद में 1987 के अंदर Brundtland Commission report लाई गई, उसके अंदर भी सेम चीज बोली गई। ग्लोबल लेवल पर ये सारे काम जो ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर इस चीज को उठाया जा रहा है कि ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि यहाँ पर रिसोर्स डिप्लीशन जो हो रहे हैं अलग अलग नेशंस या अलग अलग लोगों के द्वारा, वो हमारे एनवायरमेंट को लेकर के कितनी खतरनाक चीज है। ठीक है,
This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means of resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. अब ये जो Brundtland Land Commission report थी 1987 के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था और उसमें बताया गया था कि किस तरीके से हमें हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए. और साथ ही साथ ये ही चीज जो है एक और किताब के अंदर पब्लिश हुई थी उस समय में, आर कॉमन फ्यूचर करके एक किताब का नाम दिया गया है. किसने लिखी, कहाँ लिखी, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है. बस ये बोला गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज पहले तो इस रिपोर्ट में दी गई थी और उसके बाद में उसी साल में ही एक किताब जो छपी थी उसके अंदर भी यही चीज बोली गई थी. अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992. और दूसरा इसी तरह का कंट्रीब्यूशन जो किया गया था अर्थ समिट के अंदर, यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल पर अर्थ समिट था रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर जो जगह है वहां पर दिया गया था 1992 के अंदर, और इसके बारे में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं इस पैराग्राफ के अंदर. किसी को भी कोई दिक्कत आई है तो आप लोगों भी पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. अब है land resources. अब resources भी कुछ प्रकार के होते हैं, कुछ तरह के होते हैं. There are several types of resources. पहला हम पढ़ रहे हैं land resources. We live on land. We perform our economic activities on land, and we use it in different ways. हम रहते हैं जमीन पर, ठीक है, और हम कई सारी economic activities जो है जमीन पे ही करते हैं, और हम इस land को कई अलग अलग तरीके से use करते हैं. Thus Land is a natural resource of utmost importance. अब इसीलिए land जो है वो सबसे important natural resource की तरह देखा गया है. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. अगर आपसे पूछा जाए land resources जो है वो किस लिए use होते हैं तो उसके अंदर आप बताएंगे कि यहाँ पे natural vegetation है, wildlife है, human life है, ये सारी चीजों को support कर रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लैंड पे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा सब लैंड पे. ओवरऑल अगर हम देखें, अगर लैंड ना हो तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो लैंड जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. हाउ एवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग. और इसीलिए ये लैंड जो है वो क्या है, एक ऐसा एक एसेट है, एक ऐसी हम कह सकते हैं एक ऐसी चीज है इम्पोर्टेंट जिसकी एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड यानी एक फाइनाइट अमाउंट में ही हमारे पास में है. अगर ये ऐसा तो है ना कि इनफाइनाइट आपको पता ही होगा कि बिल्कुल अथा है, बहुत सारा है, खत्म नहीं होगा कभी, ऐसा तो है नहीं. हमारे पास में लैंड रिसोर्स जो है वो भी एक फाइनाइट अमाउंट में ही है. इसीलिए इसका हम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसका कैसे यूज कर रहे हैं, किन पर्पसेस के लिए कर रहे हैं और कितने केयरफुली कर रहे हैं, और प्रॉपर प्लानिंग करके ही हम इसका यूज करेंगे तो हमें आगे जाके भी फायदा मिलेगा. समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. India has land under a variety of relief features. अब इंडिया के पास में कई सारी वैरायटी में रिलीफ फीचर्स है. लैंड जो है वो अलग अलग वैरायटी में, एज इन मेनली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. इंडिया के पास में ये सारी चीजें हैं, ठीक है. अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन. अब आपको पता होगा माउंटेन्स क्या होती हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, और प्लेन्स क्या होते हैं, और आइलैंड्स क्या होते हैं. माउंटेन्स आपको पता है पहाड़, प्लेन्स आपको पता है फ्लैट, प्लेन्स जो होते हैं फ्लैट ग्राउंड होता है. प्लेट्यूज क्या होते हैं, कोई बता सकता है प्लेट्यूज क्या है? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? टेबल लैंड. वेरी गुड. एक ऐसी जगह जो थोड़ी ऊंचाई पर होती है और ऊपर जाकर के वो बिल्कुल फ्लैट होती है, that is what we call plateaus. And then we have islands. Okay. Islands जो है वो पानी से घिरे हुए, जो land चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, that is what we call island. एक small piece of land होता है. About 43% of land area is plain. India के अंदर 43% जो land area है वो plain है, which provides facilities for agriculture and industry. जो हमें प्रोवाइड कराता है कौन सी एक्टिविटीज करने के लिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. ये कहाँ पे हो रही है, हमारे प्लेन्स पे हो रही है. और प्लेन्स कितने हैं हमारे पास में, 43% है. मार्क कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है.
Then we have mountains account for 30% of the total surface area of the country. पूरी country के पास में जितना भी total surface area है उसके अंदर mountains जो है वो उनके पास में कितने percent है? 30%. And ensure perennial flow of some rivers. और इसी के कारण ये जो 30% area है mountains का, इसी के कारण हमारी जो नदियाँ हैं वो properly flow कर रही हैं. Provide facilities for tourism. और हमें इसी की वजह से हमारे पास में tourism की facility भी है. And ecological aspects. और ecological aspects as in, हमारे पास में ये जो flora fauna वाली चीज है ये भी properly इसी की वजह से है. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No ma'am. Okay. No ma'am. About 27. No ma'am. Okay. About 27% of the area of the country is plateau region. A plateau region, my pass mein 27% hai. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. Aur ye jo 27% hamare pass mein cheez hai, hamari country ke pass mein jo ye area hai plateau region, uske andar hamare pass mein acche reserves hai mineral, fossil fuels aur forest ke. To ye tha hamare yahan pe distribution proper India ke andar kitna de rakha hai, kis alag alag tarike se de rakha hai. Then land utilization. अब इसको कैसे use किया गया है वो बताया जा रहा है यहाँ पे. Okay. First है land resources are used for the following purposes. अब किस किस तरीके से हम use करते हैं इनको वो बताया जा रहा है. तो पहला है forest. हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज करते हैं फॉरेस्ट के तौर पे. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. अब सेकंड कैटेगरी है वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, यानी कि हम इस पे खेतीबाड़ी नहीं कर सकते. वो है बैरन एंड वेस्ट लैंड. बैरन लैंड, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज बैरन? बंजर. वेरी गुड. बंजर. वेरी गुड. जो बंजर धरती होती है उसको बोलते हैं हम barren land. Then we have, let me out this. Okay. Then we have a wasteland, जहाँ पे ये सारा waste material dump किया जाता है उसको भी बोलते हैं wasteland. Then the second category in land not available for cultivation के अंदर, जहाँ पे हम cultivation नहीं कर सकते, उसकी second category है land put to non-agricultural uses. अब वो ज़मीन है जो हम non-agricultural uses के लिए कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे हम खेतीबाड़ी का use नहीं कर रहे, दूसरी चीज़ें जैसे कि buildings, roads, factories, etc. ये सारी जगह जो है जहाँ पे हम buildings बना रहे हैं, roads बना रहे हैं और factories लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये सारा land जो है वो भी इसी category के अंदर आता है नॉन कल्टीवेशन वाली, कि भाई जहाँ पे हम ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं और अपने अपने यूज के लिए कर रहे हैं. हालांकि यूज तो कर रहे हैं हम लैंड, लेकिन इन चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं. देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी अदर अनकल्टीवेटेड लैंड्स एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड. अब फेलो लैंड क्या होता है वो हम यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं. वो लैंड जहाँ पे कोई खेतीबाड़ी नहीं हो रही है. परमानेंट पेशर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि वो जगह जहाँ पर हम ये जो हमारे जानवर होते हैं एक ओपन फील्ड होती है उनको चरने के लिए, उनको घास चढ़ने के लिए जो जगह होती है वो आती है पहले तो ग्रेजिंग लैंड, यानी कि वहां पे वो आराम से अपना खाना खा सकते हैं, फीड कर सकते हैं जो लाइफ स्टॉक होता है. देन सेकंड इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया. ये सेकंड जो है जहाँ पे कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, झाड़ियां होती हैं, वो आता है. देन वी हैव थर्ड कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. अब ये जो चीजें यहाँ पे दे रखी है ना, ये यहाँ से जो चीजें शुरू हो रही है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, इसके यहाँ से यहाँ तक फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो है इसको आप ध्यान से सुनना और मार्क करते जाना. थोड़ा सा ट्रिकी है बट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ में भी आएगा. कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो लैंड होता है जिसको हमने 5 साल, मोर देन 5 ईयर्स जो है वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की होती है, छोड़ दिया जाता है उसको अनकल्टीवेटेड, यानी उस पर कोई खेतीबाड़ी नहीं की जा रही है, उस लैंड को हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. देन वी हैव फेलो लैंड्स. फेलो लैंड्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज के अंदर. पहली है करंट फेलो. करंट फेलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर. करंट फेलो लैंड वो होते हैं जहां पर एक जमीन को छोड़ दिया जाता है 1 साल से भी कम
या एक साल तक के समय के लिए बिना उस पर कोई खेती बाड़ी करे, ठीक है, इसे कहते हैं करंट फेलो लैंड, मार्क कर लीजिएगा। देन वी हैव द सेकेंड वन, अदर देन करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। अब करंट फेलो तो वो था जिसको एक साल या एक साल से कम समय के लिए छोड़ी गया था उस एरिया को, और यहाँ पे दूसरा जो है करंट फेलो के अलावा वो यहाँ पे 1 to 5 साल के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है, वहां पे खेती बाड़ी नहीं की जाती, उसको कहते हैं अदर देन करंट फेलो। बेसिकली फेलो लैंड्स वो होते हैं जहाँ पे हम कल्टिवेशन नहीं करते हैं, उसके लिए अलग अलग दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, पहला है 1 साल या 1 साल से कम और दूसरा है 1 साल से 5 साल। समझ में आया मैम? ये तो सेम कल्चरल इसकी तरह ही है, कल्चरल की तरह है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे 5 साल से ज्यादा के टाइम जो था वो बेसिकली बोला गया था, यहाँ पे एक जो है वो 1 साल से कम 1 साल तक का है और दूसरा जो है 1 से 5 तक का है, और यहाँ पे मोर देन जो है वो लिखा हुआ है, उसको मार्क कर लो, मोर देन 5 ईयर्स के लिए छोड़ा जा रहा है वहां पे, और वो भी एग्रीकल्चरल ईयर्स के लिए। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, देन वी हैव नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज क्रॉस क्रॉप्ड एरिया। वो एरिया जहाँ पर 1 साल के अंदर 1 साल से ज्यादा, मतलब 1 साल के अंदर उसका 2 बार हमने यूज कर लिया है, तो वो कहलाता है नेट सोन एरिया, ठीक है। और ये जो है जब इसके अंदर नेट सोन एरिया पूरी तरह से हम कर लेते हैं इंक्लूड, तो इसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अच्छे से समझाने के लिए। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। ओके, यस मैम। तो यहाँ पे हमने नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है दोनों का ही एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकाला है, डिस्टिंग्विश करा है इसको। तो पहला जो इसका पॉइंट है नेट सोन एरिया का, उसके अंदर बताया गया है कि जो हमारा टोटल एरिया होता है कंट्री का, उस जिसको हम यूज कर रहे हैं क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है, वो सब एक प्रोपोर्शन में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। देन वी हैव ग्रॉस क्रॉप एरिया, ये डिवाइडेड होता है नेट सोन एरिया में, ठीक है। ये आपको याद करने के लिए नहीं है, ये आपको सिंपली एक समझाने के लिए है, तो ज्यादा आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। It includes a part of net sown area which is used for 2 or 3 crop in a year. ये 2 से 3 साल जब हम यूज करते हैं 2 से 3 बार क्रॉप्स एक ही लैंड पे उगाने के लिए, उसको बोलते हैं। अब क्या होता है नेट सोन एरिया जो है वो तो एक बार ही काउंट होता है, लेकिन जो ये ग्रॉस क्रॉप एरिया है इसमें अगर हमने एक ही जगह पर 2 से 3 बार अगर हमने क्रॉप्स उगा ली हैं एक ही जमीन पर, तो उसको हम डबल काउंट करते हैं। यहाँ सेकेंड पॉइंट जो है उससे आपको ये समझ में आएगा। आउट ऑफ द नोन द टोटल एरिया इज 3,046 lakh hectares. The net sown area is 1,411 lakh hectare. It is 46.32% of the total area. जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया total area में से इतना जो area है 1,411 lakh hectare, ये वाला जो area है वो हमारे पास में net sown area है। अब example के तौर पर if 5 hectare net sown area is used for double cropping in a year, the gross cropping area will be 10 hectare. जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक जमीन जो है, समझ लो कि आपके पास में 5 हेक्टेयर की जमीन है, पहले वहां पे आपने कोई 6 महीने में कोई दूसरी क्रॉप उगाई और उसके बाद में आपने कोई दूसरी क्रॉप उगाई, यानी पहले आपने किसी और चीज की खेती बाड़ी करी और उसी साल के अंदर जब पूरी फसल वगैरह कट गई और उसका पूरा टाइम पीरियड हो गया, उसके बाद में आपने वहां पे दूसरी खेती कर ली, तो उस एरिया को हम जब काउंट करेंगे तो वो डबल काउंट होगा। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Then we have the third point. Distribution of net sown area is not uniform. Net sown area का जो distribution है वो इतना important, मतलब uniform तरीके से नहीं होता है। Northern plains जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। पंजाब के अंदर 84% है, जबकि मिजोरम के अंदर सिर्फ 3.1% है। यहाँ पे gross cropped area जो है explain किया गया है intensity के साथ में। अलग अलग region के अंदर अलग अलग cropping होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे बहुत अच्छी फसलें उगती हैं और यहाँ की मिट्टी जो है वो काफी उपजाऊ है, काफी फर्टाइल है, तो यहाँ पे एक ही जगह पे साल में 2 बार भी खेती हो जाती है, तो यहाँ पे अच्छी वो है अमाउंट में क्रॉस क्रॉप एरिया जो है वो हाई है। बल्कि और इसके कंपैरेटिवली राजस्थान जो है वहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो इतनी फर्टाइल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि नेट सोन एरिया क्या होता है और ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है वो आपको समझा दिया गया है। यहाँ पे इसको ग्रॉस क्रॉप एरिया की तरह भी बताया गया है।
समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? मैम कैन यू रिपीट द सेकंड पॉइंट ऑफ नेट जोन एरिया? नेट जोन एरिया का जो सेकंड पॉइंट है उसमें सिंपली ये बताया गया है कि अगर आपके पास में प्रॉपर पूरा एरिया जो है वो सम लाख हेक्टेयर्स है तो उसके अंदर से सिर्फ 14-11 लाख हेक्टेयर्स जो है वो नेट जोन एरिया है। यहाँ पे डबल काउंट नहीं होती है जमीन, यहाँ पे सिर्फ एक बार ही काउंट होती है। और ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर अगर आपने एक ही जगह पे दो बार खेती कर ली है तो वो डबल काउंट होगी, ये बोला गया है। ओके मैम, कैन यू रिपीट फर्स्ट पॉइंट? बेटा द होल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि आपको सिंपली ये समझाया गया, आपको पॉइंट्स याद नहीं करने हैं, वो मैंने आपको सिंपली ये समझाने के लिए बताया है कि नेट जोन एरिया क्या होता है और ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है। नेट जोन एरिया जो है पूरे एरिया का प्रोपोर्शन में होता है, पूरी कंट्री के पास में कहाँ पे कितनी क्रॉप्स उगरी हैं उसका प्रोपोर्शन में बताया जाता है वो। और ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है वो नेट जोन एरिया से डिवाइडेड होता है, यानी कि यहाँ पर हमने नेट जोन एरिया के अंदर प्रॉपरली अगर यूज करी है जमीन उगाने के लिए वो काउंट हो रही है। ग्रॉस क्रॉप एरिया के अंदर एक ही जगह जो है अगर उस पर हमने दो बार खेती कर ली है या तीन बार खेती कर ली है तो वो उतनी ही बार काउंट होती है, वो पार्ट होती है नेट जोन एरिया का। समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल केपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। अब लैंड यूज पैटर्न जो है इंडिया के अंदर वो कई सारी चीज़ों से जाना जाता है, उसके अंदर बेसिक है फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे कितनी है, टेक्नोलॉजिकल केपेबिलिटी कितनी है, कल्चर और ट्रेडिशन उस जगह का कैसा है, इन सारी चीज़ों से ये डिटरमाइन होता है। डू यू नो वॉट इज टोपोग्राफी? टोपोग्राफी क्या होती है? एनीबडी वॉन्ट्स टू ट्राई? हाँ, सम वॉट क्लियर है, प्रॉपरली नियर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है फीचर्स का, ठीक है, अलग अलग लैंड और रिवर। हाँ, वो सब बताया जाता है, वेरी गुड, क्लोज है। तो यहाँ पे क्या होता है? हाँ, ओके, गुड। अब यहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर्स का, ठीक है, आर्टिफिशियल भी और फिजिकल फीचर्स का भी। तो बेसिकली वो आता है टोपोग्राफी के अंदर, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है, क्लाइमेट क्या होता है, सॉइल कितने तरह की होती है, ह्यूमन फैक्टर्स मैंने आपको बताई दिए, पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी ज्यादा रह रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ पे कितनी एडवांस है, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, ये सब लैंड यूज पैटर्न के अंदर ही आता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। yes, ma'am. अब हमारे पास में एक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जनरल लैंड यूज कैटेगरीज दे रखी है 1960-61 की, और फिर बाद में दे रखी है 2014-15 की। यहाँ पे इसको आप खुद से पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको कल्चर सॉरी कलर्स जो है वो डिवाइडेड दे रखे हैं कि कौन सा कलर कौन सी चीज को रिप्रेजेंट करता है, और आप देखेंगे कौन सी चीज में कितना एडवांसमेंट आया है और कितना नहीं आया है। ठीक है, दिस विल बी योर स्मॉल टास्क टू डू एट योर होम। देन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम has not been done fully. अब हमारे पास में जो डेटा है, हमारे पास में जमीन इतनी है, ये तो हमें पता पड़ गया कि ऑल ओवर देखा जाए ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया के पास में वो इतना है, लेकिन इसका जो डेटा है वो हमारे पास में सिर्फ 93% ही है, यानी इसका 93% ही हमारे पास में डेटा है कि कौन सी जगह पे क्या चीज है और क्या नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रॉपरली ज्योग्राफिकल एरियाज की रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं, इसलिए अधिकतर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है असम को छोड़ करके वहां पर
बाकी चीजों की नहीं हो पाई है. कुछ एरियाज जो हैं, मोर ओवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो बीन आल्सो नॉट बीन सर्वेड, क्योंकि कुछ एरिया जो है हमारे इंडिया का वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है और कुछ जो है वो चाइना ने कर रखा है, इसलिए उन जगहों का हम सर्वे नहीं कर पाए हैं. तो इसीलिए हमारे पास में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से 93% ही जो है वो डेटा हमारे पास में है. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay, students, that's it for today. We are running out of time. Have a nice day ahead and please conjure up your problems for tomorrow's session. We'll solve all of your problems in tomorrow's class. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.